गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंजौर में ब्लॉक लेवल पेरेंटल काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में पंचकुला से एक्सपर्ट टीम पहुंची हुई थी। स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में लगाए गए इस कैंप में खंड शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह चुग मुख्य अतिथि थे, जबकि दिव्यांग बच्चों के माता पिता सहित स्कूल के मुख्य अध्यापक गण भी पहुंचे हुए थे। कैंप की प्रभारी ऋतु ने भी पेरेंट्स को समझाया। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी ने दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स को बताया और ऐसे बच्चों सरकार की नवीनतम हिदायतें हैं, निर्देश हैं दिव्यांग बच्चों के लिए, और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं दिव्यांग बच्चों की सुविधाओं के लिए, उन पर बड़ी विस्तार से चर्चा की गई और पेरेंट्स को और स्कूली अध्यापक जो उपस्थित थे उनको इन बच्चों के बारे में बड़ा, इन बच्चों के भविष्य के बारे में और मतलब मुख्य धारा से जोड़ने के उपलक्ष्य में बहुत विषयों पर चर्चा की। जो पेरेंट्स ने क्वेश्चन किया उसका हमारे पास स्पेशल एजुकेटर्स हैं, जैसे एमआर में हैं, वीआई में हैं और अन्य जो स्पेशल एजुकेटर स्पेशल टीचर्स हैं, जो भी प्रश्न आया उन संबंधित एजुकेटर्स स्पेशल टीचर्स के माध्यम से उनका समाधान विस्तार से किया गया। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंजौर के प्रिंसिपल डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता ने भी दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स को समझाया कि ऐसे बच्चों को काबिल बनाना चाहिए ताकि वे खुद स्टैंड ले सकें और समाज पर बोझ ना बन सके। उनके बच्चों की समस्याओं पर भी विचार करते हुए हल निकाला गया। आईडी सेंटर पिंजौर के अंदर 15 स्कूलों के अध्यापक, एसएमसी मेंबर्स और दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स ने आज भाग लिया। इसमें लगभग 50 पार्टिसिपेंट्स आए, जिसमें हमने विस्तार से दिव्यांग बच्चों के बारे में चर्चा की कि ये दिव्यांग बच्चे जो हैं उनको इस काबिल बनाया जाए ये ना तो अपने ऊपर बोझ हों और ना ही समाज पे बोझ हों, अपना स्टैंड खुद लें और समाज की मुख्य धारा में चलकर समाज के साथ काम करें। इस उपलक्ष्य में हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी भी यहाँ आए और इन्होंने भी बड़े विस्तार से लोगों का मार्गदर्शन किया, काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई और पेरेंट्स को इस तरह से समझाया गया कि वो इन बच्चों को अपने ऊपर बोझ ना समझें, इनकी देखभाल प्रॉपर ढंग से करें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है वो हमें बताएं। बच्चों को सरकार की तरफ से होम बेस्ड बच्चों को जो है कलाम एक्सप्रेस के अंतर्गत घर पर जाकर बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है और जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज जो है सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बच्चों को कृत्रिम अंग प्रदान करवाए जाते हैं। पढ़ाई के लिए बच्चों को स्टेशनरी और अन्य सामग्री जो है बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाती है। आज के कैंप में भी सभी अध्यापकों के लिए और अभिभावकों के लिए खाने का और नाश्ते का इंतजाम किया गया था और हर तरह से हर समस्या का समाधान जो है यहाँ पे हमने किया है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंजौर में आयोजित विशेष कैंप में हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश अनुसार ही दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स को आमंत्रित किया गया था। उन्हें समझाया गया कि बच्चों को बोझ ना समझें बल्कि उनकी सही ढंग से देखभाल करें और सरकार की लाभकारी योजनाओं का पूरा फायदा उठाएं। बाद में सभी के लिए यहां लंच का भी प्रबंध किया गया था।